दोस्तों चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से इंस्टेंट छोले भटूरे। हर एक भटूरा एकदम परफेक्टली फूलेगा और जो छोले का जो मसाला और ग्रेवी है ना, आप देख सकते हैं पंजाबी इतनी मज़ेदार कि आपको तो इससे प्यार ही हो जाएगा। जिसके लिए परात में मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप सूजी। सूजी से क्या होगा ना, थोड़ी सी स्टिफनेस आ जाएगी भटूरों में, थोड़े से और क्रंची बनेंगे और ज़्यादा समय तक के ना फूले रहेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पाउडर शुगर सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 सैशे इनो। तो मैं ग्रीन वाला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्लू वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इनो से क्या होगा ना, एकदम इंस्टेंट आपके भटूरे बनेंगे, बहुत ज़्यादा प्रूविंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली जैसे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या होता है ना, काफ़ी समय तक के रखना पड़ता है आटे को, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून दही। इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। अच्छा, पानी हमें कौन सा यूज़ करना है, हल्का गुनगुना गर्म पानी यूज़ करना है ताकि उसे आपका जो आटा लगेगा ना बहुत ही परफेक्ट लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसको आटा गूंथते जाइए। और जो आटा हमें लगाना है फ्रेंड्स, वो ध्यान रखना है कि थोड़ा सा सॉफ्ट ही होना चाहिए, कड़क बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपके जो भटूरे हैं ना फूलेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये देखिए पूरा आटा एक तरफ इकट्ठा हो गया है। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट टिप की, वो ये है कि इसको आपको रब करना है, या तो आप परात में ही रब कर सकते हैं या फिर आप फ्लोर में इसको 5 मिनट के लिए रब कर लीजिए। उससे क्या होगा, जो आटा है ना आपका एकदम स्मूथ हो जाएगा और इसका ग्लूटेन भी फॉर्म होगा। तो आप चाहें तो इसको ऐसे पटक पटक के कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हलवाई बनाते हैं, तो ही तो आपका हर एक भटूरा फूलेगा। तो इसको पटक पटक के ऐसे थोड़ा मसल मसल के इसको कर लीजिए चिकना, कितने मिनट के लिए, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, अंदर आप देख सकते हैं ये रेशे रेशे बन रहे हैं, मतलब कि एकदम परफेक्ट है और बहुत अच्छे भटूरे बनेंगे। इसको तेल लगा के थोड़ा सा चिकना कर लीजिए और फिर इसको हल्के गीले कपड़े से ढक के साइड में रख देंगे। कितनी देर के लिए, बस 20 से 30 मिनट के लिए, जब तक कि हम अपने छोले चढ़ा लेते हैं कुकर में। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने लिया था 2 कप छोले जिसको मैंने रात भर के लिए भिगा दिया था। फ्रेंड्स रात को ही भिगाना है, काफ़ी समय तक ही भिगाना है, जिसकी वजह से आपके छोले बहुत अच्छे बनेंगे, सोडा वोडा डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छे से भीग गए हैं। नेक्स्ट एक प्रेशर कुकर में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें, 2 से 3 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ा सा हींग, और इन सारे खड़े मसालों को सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 प्याज जिसको मैंने इसे डायरेक्टली प्यूरे कर लिया है मिक्सी में, कच्चा प्याज ही है, इसको बस प्यूरे करना है और इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि यहाँ पे बारीक प्याज नहीं यूज़ कर सकते हैं, कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्यूरे करने से क्या होता है ना, ग्रेवी एकदम ही क्रीमी बनती है, तो प्याज जल्दी से पक जाए और जल्दी से ब्राउन हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। जितना ज़्यादा आप अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे ना उतना टेस्टी बनेगा, मतलब ज़्यादा वाला बहुत ज़्यादा नहीं, बट नॉर्मली मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ उसमें। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। और जो प्याज है ना फ्रेंड्स, अभी हमें को एकदम डार्क ब्राउन करना है, मतलब एकदम पूरे तरीके से फ्राई हो जाए उतना तक के पकाना है। तो करीबन मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया था। आप देख सकते हैं ये कलर, आपको कलर देख के ही पता चल गया होगा कि मैंने उसको पूरी तरीके से फ्राई कर लिया है। एकदम फुल पे बिल्कुल मत कीजिएगा वरना जल जाएगा। ये देखिए एकदम ब्राउन जब ऐसा हो जाए ना, तब इसमें हम डाल देंगे टोमेटो का प्यूरे। तो यहाँ पे मैंने लिए थे टोटल 3 से 4 टमाटर जिसको भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे जब तक ये टमाटर का कच्चापन थोड़ा चला ना जाए और पक ना जाए। अच्छा, यहाँ पे भी आप बारीक वाले टमाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आपको ग्रेवी स्मूथ चाहिए तो आप पहले से प्यूरे करके डाल दीजिए। ये देखिए टमाटर थोड़े से पकना स्टार्ट हो गए, साइड में से तेल छूट रहा है, तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले डालूंगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के जीरा पाउडर, और ये देखिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अनारदाने का पाउडर। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा अनारदाना ले लिया था, सिंपली रोस्ट कर लिया पैन में और उसको मिक्सी में पीस लिया। इससे बहुत अच्छा कलर आता है, फ्लेवर आता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, ना हो तो आप लेमन जूस भी डाल दीजिए। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, और 1 से 2 टीस्पून आप कोई भी ब्रांड का छोले मसाला डाल दीजिए। इसको मिक्स करके पकाएंगे।
ये देखिए आप बेस देख सकते हैं कितना बढ़िया गाढ़ा हो गया है, क्रीमी हो गया है, साइड में से तेल भी छूटने लगा है, मसाले एकदम बढ़िया तरीके से भुन गए हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले ना, और फिर इसमें हम डाल देंगे भीगे हुए छोले और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा और नमक। नमक हमने पहले बेस में भी थोड़ा डाला था प्याज में, तो हिसाब से डालिएगा और इसको मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले छोलों को भूनेंगे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और उसे साइड में रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे ना, एक छोटे से पैन में मैंने यहाँ पे लिया है करीबन 1 कप पानी, जैसे पानी में बॉईल आ जाएगा इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून चाय पत्ती। जी हाँ, इसकी वजह से जो कलर है ना आपके अमृतसरी छोले में एकदम परफेक्ट वैसे ही आएगा जैसे कि दिल्ली में मिलता है। तो पानी में अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो तरीका ना ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि इसमें से ज़्यादा अच्छा कलर आता है। मैंने वैसे भी ट्राई किया है कि जब छोले भिगाते तो टी बैग डाल दिया, चाय की पोटली डाल दी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कलर नहीं आता है। तो ये देखिए चाय में अच्छा सा उबाल आ गया है। तो अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे रख देंगे कुकर और इसके ऊपर हम छान देंगे ये चाय वाला पानी। तो छोलों में मैंने पानी नहीं डाला था तो पूरा पानी मैं ये चाय वाला ही डाल रही हूँ और इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे ना तो आप थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छा सा उबाल आने ही लगा है। तो इस वक्त इसको ढक्कन से कवर करके इसमें कम से कम 3 से 4 सीटी बजने देंगे, और 4 सीटी बजने के बाद इसको आप लो फ्लेम पे रख सकते हैं बस 1 से 2 मिनट के लिए, और इसका पूरा प्रेशर निकलने के बाद ही हम खोलेंगे ढक्कन। तो इसका पूरा प्रेशर निकल गया है, लेट्स ओपन द लिड एंड चेक। वाओ, आप देख सकते हैं कलर तो देखिए ऊपर बहुत बढ़िया प्यारा सा आ गया है, मुझे देख के ही पता चल रहा है। चलिए छोले भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए छोले भी अच्छे से पक गए। मान लीजिए नहीं पके हो तो करना क्या है, 1 सीटी और बजा देना। तो इसको थोड़ा सा और बॉइल करेंगे, और अब इसको क्या करेंगे ना, बैक ऑफ द स्पून से थोड़ा सा मैश करते जाएंगे। उससे क्या होगा, ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो जाएगी और आपके परफेक्ट छोले बनेंगे। तो जैसे आपको गाढ़ा चाहिए उसके हिसाब से आप मैश कर सकते हैं और पानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको साइड पे रख देंगे थोड़ा सा और गाढ़ा होने के लिए। तब तक हम क्या करेंगे ना, एक मज़ेदार सुपर डुपर इजी ताबड़तोड़ तड़का बना लेंगे इसका, जिसके लिए पैन में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून घी। इसमें हम डाल देंगे लहसुन के पीसेस। तो यहाँ पे मैंने डाली है बारीक कटी हुई लहसुन, और साथ ही मैंने डाला है बारीक कटा हुआ या फिर जिंजर जूलियंस, अदरक के पीसेस भी। जैसे ही दोनों चीजें फ्राई हो जाएगी ना, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसका क्या करेंगे ना, हम तड़का डालेंगे और इसको तुरंत जलने से पहले तुरंत इसको डाल दोगे छोलों के ऊपर। ओ माई गॉड, इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है आप सबको मेरे घर पे इनवाइट करके छोले भटूरे खिलाऊँ। तो ये देखा, अपने तड़का डालने से इसका जो फ्लेवर है ना दुगना तिगना हो जाता है। तो बस छोले तो तैयार ही हो गए हमारे, देखा अपने फटाफट तैयार हो गए। तो चलिए अब आटा भी चेक कर लेते हैं, देरी किस बात की, फटाफट भटूरे भी बना लेते हैं। आटा अच्छे से स्मूथ हो गया, चिकना हो गया, फिर से थोड़ा सा गूंथ लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर करना क्या है, थोड़े थोड़े पोर्शन डिवाइड कर लेंगे और इसका राउंड बनाएंगे, रोटी लंबा गोल जैसे आपको भटूरे पसंद हो। अच्छा, भटूरे बेलते समय आपको ध्यान रखना है कि जो उसको साइज है ना वो हल्के से मोटे होने चाहिए कॉर्नर्स, और सेंटर पतला होना चाहिए। और दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका तेल है ना वो एकदम हाई फ्लेम पे गर्म होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका हर एक भटूरा परफेक्ट तरीके से फूलेगा। ठीक है, तो चलिए तलना स्टार्ट करते हैं। तो इसको तेल में डाल देंगे गर्मा गर्म तेल में, और साइड से और तेल डालते जाएंगे, और ये देखिए एकदम बराबर तरीके से फूला है, फटाफट फूला है। इसको आप पलट पलट के जितना आपको क्रिस्पी चाहिए आप कर सकते हैं, बट नॉर्मली मैं घर में ना ओवल शेप के भटूरे बनाती हूँ जो कि बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। ये देखिए ओवल शेप का भटूरा मैंने इसमें डाल दिया, फटाफट फूल गया है, और इसकी अच्छी निशानी क्या है कि ये परफेक्ट बना है इसका आटा। ये देखिए अपने आप से पलट जाएगा, देखा आपने, तुरंत से फ्लिप हो गया अपने आप बिना पलटाए, इसका मतलब भी अंदर से भी बराबर पका है। तो इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे जैसे आपको क्रंची चाहिए। तो मैं आपको एक और ओवल वाला दिखाती हूँ क्योंकि ये करने में ना बहुत मज़ा आता है। देखिए ऊपर से फूल जाएगा, थोड़ा सा तेल डालते जाइए और मैजिक, अपने आप फ्लिप हो जाएगा। तो बस सारे भटूरों को निकाल देंगे और सर्व करेंगे इस बढ़िया से छोले, थोड़े से प्याज मिर्ची या जिसके साथ आपको पसंद हो। तो आई होप आपको आज की रेसिपी रियली अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी।
तो बस मैं इस छोले भटूरे को एंजॉय करती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।